Hello, sixth class. Today we will start with our new chapter, that is sorting materials into group, chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में से हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 4 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ. मटेरियल्स को इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब समूह में या ग्रुप में बांटना. ठीक है बच्चे, सॉर्टिंग का मतलब छांटना या बांटना. तो हम अपने चारों तरफ की चीजों को आज ग्रुप में बांटेंगे. अपने चारों तरफ अपने कमरे में देखिए आपके पास क्या क्या है. जैसा कि आपकी पिक्चर में दिया हुआ है, एक तरफ टॉयज हैं, फिर एक लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की ही चेयर है, एंड क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मटेरियल क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, उसके गुण क्या होते हैं, वो कैसा होता है. चलिए पढ़ते हैं. वी कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है हम देखते हैं. मैनी थिंग्स, बहुत सारा सामान या चीजें इन आवर डेली लाइफ, हमारे हर रोज के जीवन में, रोजाना दिन में. सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ आर लिविंग, जिंदा हैं, एंड सम आर नॉन लिविंग, कुछ निर्जीव हैं. लिविंग को हमें पता है सजीव कहते हैं या जिंदा भी कहते हैं, और नॉन लिविंग को आपको पता है निर्जीव या मृत भी कहते हैं. मृत, मरे हुए. याद आया, आप छोटी क्लासेस से ही ये बातें सीख रहे हैं. फिर देखते हैं, थिंग्स हैव डिफरेंट साइजेस, सामान के अलग अलग साइज होते हैं, शेप अलग अलग होती है. सच एज एनिमल्स, कि वो जो थिंग्स है वो क्या क्या, एनिमल्स हैं, चेयर है, चॉक है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, शूज हैं, टेबल है, प्लांट्स हैं, यूटेंसिल्स बर्तन हैं. यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन. ट्रीज, पेड़ एंड सो मैनी अदर थिंग्स, हमारे चारों तरफ ये इतनी सारी चीजें हर रोज होती हैं. ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी जो सामान होता है, मे नॉट बी अलाइक, एक जैसे नहीं होते. अलाइक का मतलब एक जैसे. क्या ये एक जैसे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. इनकी शेप भी अलग है, इनकी साइज भी अलग है. शेप का मतलब ये दिखाई कैसे देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं या पतले दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं या छोटे दिखाई देते हैं. ठीक है, ये होती है इनकी शेप. आड़ा है, तिरछा है, ये भी शेप में ही आता है. तो ये पिक्चर्स आप यहाँ पर अपने चारों तरफ के सामान की देख रहे हैं. तो अभी पहले एक एक्टिविटी हम आपको करनी है. तो यहाँ पर एक्टिविटी में क्या करना है, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करो, एंड लिस्ट आउट, और उनकी लिस्ट बनाओ. एट लिस्ट 25 ऑब्जेक्ट्स, 25 चीजें अपनी इकट्ठी कर लीजिए और उनकी लिस्ट बनाइए. यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स, आपके चारों तरफ, चारों तरफ रखी हुई जो भी चीजें हैं उनमें 25 के नाम लिख लीजिए. सराउंडिंग्स, आसपास या चारों तरफ. राइट एट लिस्ट वन यूज ऑफ ईच ऑफ देम,
कम से कम एक उनका उपयोग लिखिए, यूज का मतलब यहां पर उपयोग, वो आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, खेलने में करते हैं या खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं या सोने में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उस चीज का इस्तेमाल आप करते हैं ये लिखना है। ऑल आर दे ऑल ऑफ सेम साइज, क्या वो सेम साइज के हैं, क्या उनकी शेप एक जैसी है, क्या उनका कलर एक जैसा है। आगे पढ़ते हैं, यू सी आप देखते हो अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वैरायटी का मतलब प्रकार, विभिन्न प्रकार के सामान देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चीजें देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब चीजें, अलग अलग तरह की चीजें अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ, आप अपने चारों तरफ बहुत सारा सामान देखते हैं। देयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण है ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, ये जितने भी धरती पर सामान है उनमें से कुछ का एग्जाम्पल है जो कि आप 25 सामान का लिस्ट बना रहे हैं। देयर इज ऑल्सो ए वैरायटी, वैरायटी का मतलब यहाँ पर अलग चीजें भी हैं, और भी अलग चीजें हैं, इन द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, जो जो आसमान में चीजें हैं उनमें भी वे भी चीजें अलग अलग हैं, सच एज जैसा कि मून अलग है, सन अलग है और स्टार्स भी अलग हैं, तीनों ही अलग अलग दिखाई देते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो तरीका होता है, एंड सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को सामान को छांटना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी आएगी, इसको आप निशान लगा कर रखें, इसको समझे समझिए। द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप बनाने की, एंड शॉर्टिंग और छाटने की, ऑब्जेक्ट्स चीजों को छाटने और ग्रुप बनाने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जो अलग अलग, वेरियस का मतलब विभिन्न, विभिन्न सामान या चीजों को क्लासिफाई करने का काम जो होता है, कैन बी डन, किया जा सकता है ऑन बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसे गुण, समानता, एक समानता, और डिस एंड डिससिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी का मतलब होता है अलग होना, असमानता। समझ कर देखिए, आप अपने साइंस की बुक निकालें और नोटबुक को देखें, दोनों अलग अलग दिखाई देती हैं, ये हो गई डिससिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, क्योंकि ये एक दूसरे के जैसी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक्स को देखें, आपके पास 5 नोटबुक्स हैं, तो हो सकता है उनमें 2 नोटबुक्स या पांचों की पांचों नोटबुक्स, अगर आपने स्कूल से ली हैं, तो वो सारी पांचों की पांचों नोटबुक्स एक जैसी दिखाई देंगी, तो उसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी। दिस में भी बेस्ड ऑन, यह आधारित हो सकती है ऑन देयर यूज, उसके काम पर, यूज का मतलब प्रयोग, उसके प्रयोग पर भी आधारित हो सकती है, उसके कलर पर, उसके साइज पर, उसकी शेप पर, हार्डनेस पर,
हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, वो कितनी कठोर है कितनी नरम है। एंड टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है चिकनापन, क्या कोई चीज चिकनी है या खुरदुरी है, इस बात को जब देखेंगे तो उसको कहते हैं टेक्सचर। आप लोगों ने सुना होगा और घरों में देखा भी होगा, आजकल पेंट में टेक्सचर आ जाता, कहते हैं कि टेक्सचर करवाना है हमें अपनी दीवार पर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, वो वहां पर उभरी हुई दिखाई देगी, जब आप उस पर हाथ फेरेंगे तो वो प्लेन नहीं महसूस होगी। अगर हम बुक के पेज को ऐसे टच करके देखते हैं तो क्या कहीं पर अलग चीज दिखाई देती है, नहीं देती। ये होता है टेक्सचर। अगर इसमें ऊंचा नीचा कुछ महसूस होता है तो उसको हम कहते हैं खुरदुरी है। बुक कैसी है, खुरदुरी है। जैसा कि अगर हम आजकल नोटों पर देखें उंगलियां फिराकर, तो ऐसा लगता है कि कुछ उसमें उभरा हुआ है, वही उसका टेक्सचर होता है। आगे पढ़ते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि ग्रुप बनाया जा सकता है। क्लासिफाई का मतलब अब समझ में आ गया, ग्रुप बनाना, ग्रुप बनाना। एज लिविंग और नॉन लिविंग, उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग की तरह भी ग्रुप बना सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हमने देखी, ये क्या इनमें से कोई चीज जिंदा है, जी नहीं। लेकिन अगर एनिमल्स को, कुत्ते को, बिल्ली को, चूहे को, चिड़िया को, मोर को देखेंगे तो वो कैसे हैं, वो लिविंग थिंग्स है। तो हम किसी भी तरह से ग्रुप बना सकते हैं, जिस बात को लेकर हम ग्रुप बनाएंगे उसी को हम उसकी प्रॉपर्टी कहेंगे, उसी बात को क्या कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी या क्वालिटी। चलिए अब कहते हैं, देखते हैं व्हाट आर मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या होते हैं। आप बताइए, आपके घर में जो कुर्सी है वो किस चीज से बनी हुई है। किसी के घर में प्लास्टिक की कुर्सी होगी, किसी के घर में लोहे की भी हो सकती है, और कुछ के घर में लकड़ी की। तो लोहा, प्लास्टिक और लकड़ी, ये क्या है, मटेरियल है। ये इनको हम पदार्थ भी कहते हैं, हिंदी में हम इसको पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार आपका बैग किस चीज का बना हुआ है, जूता किस चीज का बना हुआ है, आपकी किताबें और नोटबुक्स किस चीज की बनी हुई हैं। किताबें और नोटबुक्स तो कागज से बनी हुई हैं, जूते किस चीज से बने हुए हैं, चमड़े से बने हुए हैं। और ये जो चमड़ा और कागज है ये भी एक मटेरियल है। यू नो, तुम जानते हो, दैट ऑब्जेक्ट्स, सामान, आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल से ये सामान बना हुआ है। नाउ वी विल लर्न, हम सीखेंगे मोर अबाउट देम, उनके बारे में और भी ज्यादा। ऑल मटेरियल्स, सभी पदार्थ, एंड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब भी पदार्थ या सामान होता है। सामान, सामान नहीं है ये, सामान है। आर मेड अप ऑफ मैटर, वो मैटर से बने हुए होते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज है और हम खुद भी किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। ऑल मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स हैव, रखते हैं मास, मास का मतलब होता है बोझ, उनमें बोझ होता है। एंड ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब घेरते हैं, घेरते हैं। स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जी जगह, वो जगह घेरते हैं। कोई भी सामान है, मैटर है, मटेरियल है, वो जगह भी घेरेगा और उसका मास भी होता है, उसमें बोझ भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी यानी के गुण, उसमें क्या क्या गुण हैं। अब अगर हम किसी बच्चे के गुण
जानने की कोशिश करें। जैसे समझिए कि आपकी क्लास में एक बच्चा है देव, उसके कैसे क्या गुण हैं? सभी बच्चे बताएंगे या टीचर उनके बारे में बताएंगे कि ये अपना काम अच्छी तरह से करता है, तो वो एक उसका गुण हो गया। ये बच्चा अच्छे कपड़े पहन कर आता है, वो उसका एक गुण हो गया। तो ये इसी तरह से प्रॉपर्टीज। अब अगर केला या एक सेब, सेब की प्रॉपर्टीज पर बात करें, सेब कैसा होता है? एक बच्चे ने कहा, सर सेब लाल होता है। दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं सर मेरे पास तो हरे रंग का था। तो ये दोनों उसके कलर के बेस पर उसकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक तीसरे बच्चे ने और कहा, सर मेरा सेब तो गोल है, वो उसकी शेप हो गई। तो शेप भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। फिर दो बच्चों के पास अलग-अलग सेब थे, उन्होंने कहा, सर मेरा सेब इसके सेब से बड़ा है, मेरा सेब इसके सेब से बड़ा है। बड़ा है तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? साइज वाली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक बच्चे ने क्या किया, उस सेब को रुमाल से अच्छी तरह से रगड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, उस वो सेब दूर से ही चमकने लग गया, उसकी मिट्टी हट गई, और वो उसमें जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती वो चमक रहा था। तो वो भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज मिलकर अपीयरेंस कहलाती हैं। आगे पढ़ते हैं, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। फीचर्स का मतलब गुण, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण गुण होते हैं मेटीरियल्स के, विच हेल्प जो मदद करते हैं यू तुम्हें टू रिकॉग्नाइज पहचानने के लिए, पहचानना क्या करने के लिए, पहचानने के लिए मटेरियल्स, मटेरियल्स को आप कैसे पहचानते हो, कैसे पता लगता है कि कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है या प्लास्टिक की बनी हुई है। यू कैन रिकग्नाइज, पहचान सकते हो देम, उनको बाय देयर कलर, उनके रंग से, टच से, टच करने पर वो कैसा है, और एनी अदर वे, और किसी अलग तरीके से। वे का मतलब तरीका, आप अलग-अलग तरीकों से उस मटेरियल को पहचान लेते हो। दीज फीचर्स, ये जो गुण होते हैं आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, इनको ही हम उसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहला उसका गुण हो किसी भी चीज का, किसी भी सामान का होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उसका दिखना, वो कैसी दिख रही है। दिखने में कई चीजें आएंगी, वो अभी आगे पढ़ते हैं। मटेरियल्स यूजुअली ज्यादातर लुक डिफरेंट, अलग दिखते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। वुड लुक्स, लकड़ी दिखाई देती है वेरी डिफरेंट, बहुत अलग फ्रॉम आयरन। आयरन की क्या चीज है, आपके चारों तरफ देखेंगे तो क्या चीज है, हो सकता है आपके घर पर ताला रखा हुआ हो या कोई और चीज, लोहे की चाबी हो। तो लकड़ी और लोहा बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह से आयरन अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब दिखाई देते हैं, दिखाई देना। डिफरेंट का मतलब अलग, आयरन किससे अलग दिखाई देता, फ्रॉम कॉपर, कॉपर होता है तांबा, और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम, उसी समय, देयर में भी सम सिमिलैरिटी, कुछ एक जैसी बातें भी हो सकती हैं, समानताएं भी हो सकती हैं। सिमिलैरिटी समानता,
यानी कि वो किसी किसी बात में एक जैसे भी हो सकते हैं, बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दैट जो कि आर नॉट देयर इन वुड, जो कि वुड में ना हो। कुछ बातों में ये तीनों एक जैसे हो सकते हैं, लकड़ी से अलग। दीज मटेरियल्स, ये जो मटेरियल होते हैं कौन कौन से, आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, हैव अ पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है खास, शाइन, शाइन का मतलब होता है चमक, इनमें एक खास चमक होती है। आपके गिलास कटोरी बिल्कुल चमचमाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन लकड़ी चमकती नहीं है। इट इज नोन एज, ये जो चमक होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लश्चर, इसको हम शाइन भी कहते हैं, लश्चर भी कहते हैं, हिंदी में यही चमक होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वुड हैज नो लश्चर, वुड के पास, लकड़ी के पास कोई भी चमक नहीं होती, हैज नो लश्चर, चमक नहीं होती, लकड़ी में कोई चमक नहीं होती बेटा, उसको हम पेंट वगैरह करके चमकाते हैं। इसी तरह से अब आगे दूसरी चीज जो होती है वो होती है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब अभी समझेंगे। सम सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ आर हार्डर, हार्डर का मतलब कठोर, सख्त, कठोर या सख्त देन अदर्स, दूसरों से कठोर होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, यही कठोरता की जो प्रॉपर्टी है, गिव्स अस, देती है हमें एन आइडिया, विचार एज टू व्हाट अ सब्सटेंस कुड बी, एक पदार्थ कैसा हो सकता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग पदार्थ हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्डनेस, कठोरता की अलग अलग डिग्री होती है, यानी कि नाप होता है। जैसे सोप, सोप का मतलब होता है साबुन, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब होता है जो पेंसिल में आए, जिस नोक से आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल का जो हिस्सा लिखने के काम आता है वही ग्रेफाइट होता है। आर सॉफ्ट सब्सटेंसेस, वो कैसे होते हैं, नरम होते हैं, जैसे कि रुई है, रुई को आप दबा कर देखें, जो चीज दबाने में आराम से दब जाती है उसको हम सॉफ्ट कहते हैं, नरम, और जो चीज दबने में बड़ी मुश्किल होती है उसको हम हार्ड कहते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, और इनकी प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस। तो कुछ चीजें हमारे चारों तरफ जो पड़ी हुई हैं, उनमें कपड़े, कागज या गत्ता, ये सब और रुई नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जबकि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लकड़ी ये कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, यानी कि ये आराम से दबती नहीं है, मुड़ती नहीं है, जो चीज मुड़ती नहीं है और दबती नहीं है उसको हम हार्ड कहते हैं। चलिए बेटा, आज इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं, मीन का मतलब समझना, यानी के किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। यह क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 30 से शुरू होगा ये। सॉरी बेटा, अब फिर देखिए, ये है आंसर नंबर 1, पेज नंबर 30 से शुरू होगा, फिर ध्यान से देखिए।
आंसर नंबर वन, पेज नंबर 30, देयर आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मटेरियल्स। उसके बड़े इम्पोर्टेंट गुण होते हैं मटेरियल के, विच हेल्प यू। यहां पर यू की जगह पर आ जाएगा अस, वो हमें, अस का मतलब होता है हमें, अस का मीनिंग होता है हमें उस मटेरियल को पहचानने में मदद करते हैं, टू रिकॉग्नाइज मटेरियल, मटेरियल को पहचानने में। इसी यू कैन रिकॉग्नाइज देम बाय देयर कलर, उसके कलर से, टच से, और एनी अदर वे, या किसी और तरीके से। दीज फीचर्स, इन्हीं फीचर्स को आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इनको हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां तक ये आंसर आपका आएगा। तो यहां पर आपको एक लिस्ट भी बनानी है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज आपने अब सीख ली। एक तो अपीयरेंस सीख ली, एक हार्डनेस सीख ली, और आगे बाकी की प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। तो आंसर नंबर वन आपको मिल गया है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी आगे बाद में करेंगे। थैंक यू।